हमारा भाई है, वो हमारा नेता है, गरीबों का नेता है। बस जानते हैं पप्पू यादव जी सबसे बेहतर विकल्प पूर्णिया के लिए है, और छात्र नौजवान युवा जो कि जो छात्र पढ़ लिख के पीजी पीएचडी करके रोजगार नहीं मिल पाया है, उन सभी छात्र नौजवानों के लिए आदरणीय पप्पू यादव जी जब यहां से जीत के आएंगे, उन्होंने उनका मैनिफेस्टो है कि यहां बहुत सारी उद्योग लगेंगे जिससे कि यहां के छात्र नौजवान का दिक्कत दूर होगा। देखिए किस हिसाब से पप्पू यादव के समर्थनों ने खीरू चौक पे देखिए किस हिसाब से ये इसी चौक से पप्पू यादव गुजर रहे हैं, और ये नेता विहीन है मेरा पूर्णिया जो पप्पू यादव को इस बार हम लोग पूर्णिया से संसद बना के उसके संसद भवन भेजने का काम करेंगे। वो बेटा है, वो सेवक है, हम लोग उसका पप्पू ब्रिगेड है। जी जी चलिए बहुत धन्यवाद। देखिए हम और आपको दिखाएंगे कि कैमरामैन से थोड़ा इधर से अंदर लेके जाके दिखाते रहेंगे आपको किस हिसाब से ये देखिए पप्पू यादव के समर्थनों में कितना भीड़ लगे हुए हैं, और ये पप्पू यादव से मिलने के लिए आए हुए हैं, और आपको दिखाएंगे कि ये और कोई बेसहारा नहीं, सबका सहारा देने वाला पप्पू यादव, एक पप्पू यादव ऐसा शख्स है। हम लोग यही सांसद चाहते हैं जो पूर्णिया का सांसद पप्पू यादव हो, और पप्पू यादव पूर्णिया का बेटा है और भाई है, वो हमारा नेता है, गरीबों का नेता है। बस जानते हैं पप्पू यादव कैसा नेता है, आखिर उनके समर्थनों में आप लोग आए हुए खीरू चौक पे। देखिए पप्पू यादव जी नेता नहीं, बुझिए सेवक है, बेटा है, पूर्णिया का बेटा है, गरीबों का मसीहा है, छात्र नौजवानों की आवाज है। पप्पू यादव जी वो शख्स है जिनके दरवाजे से आज तक कोई भी दुख दर्द लेके आता है तो खाली लौट के नहीं जाता है। और अब डेवलपमेंट के बारे में देख लीजिएगा तो पप्पू यादव जी सबसे बेहतर विकल्प पूर्णिया के लिए है, और छात्र नौजवान युवा जो कि जो छात्र पढ़ लिख के पीजी पीएचडी करके रोजगार नहीं मिल पाया है, उन सभी छात्र नौजवानों के लिए आदरणीय पप्पू यादव जी जब यहां से जीत के आएंगे, उन्होंने उनका मैनिफेस्टो है कि यहां बहुत सारी उद्योग लगेंगे जिससे कि यहां के छात्र नौजवान का दिक्कत दूर होगा। देखिए किस हिसाब से पप्पू यादव के समर्थनों ने खीरू चौक पे देखिए किस हिसाब से ये इसी चौक से